जमशेदपुर के टेलको स्थित मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह थापर और सीडब्ल्यूसी की अध्यक्ष पुष्पा रानी तिर्की के अलावा ट्रस्ट की वार्डन गीता देवी और उसके बेटे आदित्य सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन लोगों पर आरोप है कि यहां लड़कियों के साथ गलत काम किया जाता था। ट्रस्ट में रहने वाले दो नाबालिगों ने ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह थापर, सीडब्ल्यूसी के चेयरपर्सन पुष्पा रानी तिर्की, वार्डन गीता देवी, आदित्य सिंह, टोनी डेविड और एक अन्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सभी को बिरसा नगर थाने में रखा गया, जहां सभी से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सभी आरोपी अपने ठिकाने बदलने के लिए जमशेदपुर से भागकर मध्य प्रदेश पहुंच गए। जमशेदपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली से सोमवार को सभी को गिरफ्तार कर लिया। एएसपी कुमार गौरव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ये बात भी सामने आई है कि इनके द्वारा ट्रस्ट के फंड का गलत इस्तेमाल किया गया था। करोनागार में स्थित मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट में रहने वाली कुछ नाबालिग लड़कियों के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। वहाँ के संचालक की पत्नी एवं वहाँ काम करने वाले अन्य व्यक्तियों के खिलाफ उनके द्वारा इन नाबालिग लड़कियों का शारीरिक शोषण किया जाता है। वो सेक्सुअल मोलेस्टेशन भी है और उनसे काम भी कराया जाता है। उनको खाना भी प्रॉपर नहीं दिया जाता है। दैट इज कि उस ट्रस्ट की जो जिम्मेदारी है जिसको क्लेम करता है उसके विपरीत उनसे सारे काम करवाए जा रहे हैं। टेलको पुलिस ने इसमें तत्काल FIR दर्ज की और ASP सिटी श्री कुमार गौरव IPS 2017 बैच इनके नेतृत्व में एक टीम सीनियर SP साहब के द्वारा बनाई गई और उस टीम ने अनुसंधान प्रारंभ किया। जब एविडेंस कलेक्ट हो गए कि इनके द्वारा ये सारी बातें जो आरोप हैं वो सत्य हैं तो अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम्स छापेमारी करने लगी। अभियुक्त फरार हो गए थे तो ASP सिटी साहब के नेतृत्व में टीम ने बहुत बेहतरीन कार्य करते हुए प्रोफेशनल तरीके से MP के सिंगरौली जिले से लोकल पुलिस की मदद से चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उन अभियुक्तों के नाम है हरपाल सिंह थापर, उनकी पत्नी पुष्पा तिर्की, गीता कौर और गीता कौर का एक लड़का। लोकल पुलिस ने खूब हमारी मदद की इसमें, सिंगरौली पुलिस ने, गढ़वा पुलिस ने भी इसमें बहुत मदद की। इसलिए जमशेदपुर पुलिस, सिंगरौली पुलिस और गढ़वा पुलिस का भी धन्यवाद ज्ञापन कर दी आप उनके माध्यम से भी। इस केस में अनुसंधान अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अनुसंधान जारी है और अनुसंधान में सभी पहलू टच किए जा रहे हैं कि और कितने वहाँ पे विक्टिम हैं, जितने इनमेट्स वहाँ पे थे उन इनमेट्स के साथ में किस तरह का व्यवहार होता रहा है और अगर ये इतने दिनों तक हो रहा है तो क्यों ये बाहर नहीं आ पाया, कौन कौन से रूल्स इन्होंने वायलेट किए और इसकी आड़ में क्या इन्होंने अन्य कोई गोरखधंधे भी चलाए। इस सभी की जांच, इस सभी का इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशनल तरीके से पुलिस के द्वारा किया जाएगा और इसका ओवरऑल सुपरविजन ASP सिटी श्री कुमार। ट्रस्ट के बैंक खाता को बंद करने का आदेश। पूर्वी सिंहभूम जिला के टेलको मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट पर प्रशासन की सख्ती लगातार जारी है। इसी कड़ी में ट्रस्ट के PNB बैंक खाते को बंद करते हुए सभी प्रकार के लेन देन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन पर रोक लगाने को कहा है। जांच टीम के सदस्यों ने ट्रस्ट के संचालक और अन्य पर लगे उत्पीड़न के आरोपों और चल रही कार्रवाई का हवाला देते हुए ये आदेश जारी किया। जमशेदपुर से इंद्रजीत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।